excited tonight? Hindi or English? Hindi. Hindi? मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं नॉर्थ जोन की मेंटर बनूं. दूसरी बात, जो बाकी की लड़कियां हैं उनको देखने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ. बाकी जो मेंटर्स हैं उनको मिलने के लिए मेरी काफ़ी इच्छा है. उससे ज़्यादा आई थिंक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जिन लड़कियों को हमने सिलेक्ट किया था उस वक्त से अब तक एक महीने का अंतर आ चुका है, तो देखते हैं कि ये लड़कियाँ कितनी बदली हैं. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉन्टेस्ट, क्योंकि इसके बाद जब फिनाले होगा तभी हम लड़कियों को मिलेंगे और हम देखेंगे कि उनमें कितना फ़र्क आ चुका है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हु वॉज द राइट चॉइस, हु वॉज बेटर देन द राइट चॉइस एंड हु इज द बेस्ट वन, बिकॉज आई नो देयर इज नो रॉन्ग चॉइस. मैं उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी क्योंकि आई डोंट थिंक कि आज वो सब होगा, पर आपस में बातचीत ज़रूर होगी काफ़ी सारी. और आई थिंक बाकी लड़कियों से ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हर जोन में मुझे ये पता चला है कि लड़कियों को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द गर्ल्स दैट दे कम थ्रू वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट. आई डोंट थिंक कि कोई कमी है. आई थिंक कि मेरे वक्त से और इस वक्त तक एक चीज़ की जो जिसमें फ़र्क बहुत आ चुका है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हैं पहले से. तो यू नो उनको तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. उनको कॉम्पिटिशन में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो पहले से जानते हैं. उस पॉइंट तक जहाँ तक हमें लाया गया था उस पॉइंट तक वो ऑलरेडी आपके कॉन्शियस सेंटर करते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट नाउ, यू नो द टाइम्स हैव चेंज्ड, द गर्ल्स कम वेरी वेरी प्रिपेयर्ड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनको पहले से पता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. और मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, दे नीड टू बी रियल, यू नो, क्योंकि अगर वो ऐसे वादे यहाँ पे स्टेज पर आके करेंगे जिनको वो निभा नहीं पाएंगे, आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ इट्स नॉट समथिंग दैट वर्क्स. बीइंग रियल इज़ वेरी ट्रेंडी राइट नाउ, यू नो, जो भी कहें सच कहें दिल से कहें. एंड आई ऑलवेज सी, यू नो, झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाता है स्टेज पे, वो वक्त बदल चुका है. आई थिंक प्रियंका हैंडल्स एवरी सिचुएशन एक्सेप्शनली वेल एंड दैट्स व्हाई शी इज लिटरली डोमिनेटिंग द वर्ल्ड. और यू नो आई थिंक दैट अगर आप सोशल मीडिया पे हैं if you carry your entitled to have an opinion but you're not entitled to disrespect people. A lot of people do that but I think thodi der ke baad ek hi jagah pe agar aap kisi ko maar de rahe ho na, wo kya hota hai, wo chamdi teekhi ho jati hai. To hum logo ko I don't think trolling se itna zyada farak padta hai. Logo ko lagta hai ki hame itna okay, we take that again. No lipstick marker. I'm gonna come back to you in a sec. I don't think you know हम लोगों को इतना फ़र्क पड़ता है, but जो troll करते हैं I think they have absolutely nothing to do in life. I feel very bad for them because इतना बेला भी होना you know बहुत बुरा है अपनी सेहत के लिए भी और हमारे लिए. अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं किसकी साइड लेने वाली हूँ, इंडिया पाकिस्तान का जिस दिन मैच शुरू हो रहा है, जिस दिन मैच है उस दिन मेरी एक नई फिल्म शुरू हो रही है. मेरे दिल पे बहुत चोट पहुंची है ये सुन के कि वो मेरा पहला दिन है काम का, तो मैं मैच को अपने फ़ोन पर देखूंगी. बट थैंक गॉड दैट आई हैव दैट मच टेक्नोलॉजी, आई एम अ बिग क्रिकेट फैन. तो जी हाँ, कोशिश तो हम यही करेंगे कि जितना ज़्यादा मैच बस ये ना हो कि उनके मैच की वजह से मैं अपनी लाइनें भूल जाऊँ. Thank you. Am I done? Because I've been here for half an hour.